बुध बाजार में एक दिन पहले बुलडोजर ब्लैक से अतिक्रमण हटाने की सख्ती के बाद दूसरे दिन व्यापारियों ने स्वयं अतिक्रमण तोड़ने में तेजी दिखाई। हर दुकान होटल चबूतरे पर छेनी हथौड़ी कटार चले, शटर हटाए, सामान समेटा, जिससे अफरा तफरी का माहौल रहा। वहीं दूसरे दिन व्यापारियों द्वारा अतिक्रमण हटाने में तेजी को देखते हुए निगम की ओर से बुलडोजर का इस्तेमाल बहुत कम किया गया। कई व्यापारियों ने अफसरों का घेराव कर विरोध किया, लेकिन नाले पर बनी दुकान और होटल बचाने की कोशिश नाकाम रही। साथ ही इंपीरियल सिनेमा के पास दुकानों के ऊपर होटल को तोड़ने के बाद पोकलेन रोक दी गई। इस कार्यवाही को देखकर बराबर में गैलेक्सी होटल के स्वामी ने अतिक्रमण खुद हटाना शुरू कर दिया। वही भारी पुलिस फोर्स, दो पोकलेन, तीन बुलडोजर और एक दर्जन मलबा हटाने के एक दर्जन ट्रैक्टर ट्रॉली मुस्तैद रही। हम तो यहाँ जुड़े हुए हैं 75 से, पढ़ने आए थे कॉलेज में, 80 में रिटायर आए थे कॉलेज के, ये सब परिवार के सदस्य हैं। जितने भी दुकानदार है, एक एक बच्चा ही इनका जानता है, जो बच्चा नहीं जानता, जो बुजुर्ग थे बेचारे हमारे साथ रहे, उनके बच्चे हैं, भाई भाई जोड़ के आदमी दुकान बनाता है, अब उसमें बुलडोजर चल रहा है, बड़ा कष्ट हुआ। देखिए क्या कहेंगे, जैसे इस समय व्यापारियों को लाखों रुपए का, अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है, क्या कहेंगे? करोड़ों का रुपए, करोड़ का इनका नुकसान हुआ। और इस स्मार्ट सिटी के लिए तो जो चल रहा था रोड वही बहुत है, पटरी वटरी बना लेते हैं उसके आगे। जैसे जैसे देखा गया कि स्टेशन रोड तो काफी चौड़ा है, आगे के और भी बाजार बहुत कंजेस्टेड है, तो बुलडोजर वहाँ चलना चाहिए, ये ऐसी चौड़ी जगह पर? देखिए, ये सरकार का कोई वो नहीं है, सरकार हमारी होती तो मेरे ख्याल से ये कुछ हो ही नहीं सकता ना, इसकी हिम्मत नहीं थी तो सब ले। अब ये सरकार को तो सबको पता है किस मिजाज की सरकार है, और सरकार के लेवल का ही काम है, ये नीचे के लेवल का काम है जो हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे व्यापारी भाइयों से? दुख है, नहीं होना चाहिए था, बहुत दुख है। कर्मचारी रास्ता पकड़े हुए खड़े रहे ताकि अतिक्रमण घर आते वक्त कोई चपेट में ना आ सके। वहीं इंपीरियल से बुध बाजार पुलिस चौकी तक करीब 100 से अधिक दुकानें चिन्हित की गईं। इन सभी पर व्यापारियों ने स्वयं अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया।